गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 4, 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीकर इन हाउस के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में मामला काफी गरमाया हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही बड़े अनसंग हीरो रहे हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। न्यूज में क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आपसे डेफिनेटली पूछ लेता है। आर्ट चटनी के बारे में बात करेंगे। जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। फ्लोटिंग सौर पावर प्लांट, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, द हिंदू में इसको कवर नहीं किया गया। चकमा ट्राइब के बारे में बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ट्राइब है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे भैया ये न्यूज में क्यों है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके बारे में क्या कहा है। रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, यूजली बात नहीं करेंगे, कुछ नया डायमेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पुरानी बातों को घसीट के कोई बार बार फायदा है नहीं, तो इसीलिए एनआईए और शेड्यूल क्राइम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए एनआईए के बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में कोई फायदा नहीं है। बेसिक चीजें, शेड्यूल क्राइम्स कौन कौन से होते हैं जिसके तहत एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आज बिल्कुल नया डायमेंशन है, तो हम लोग नई बात को ही करते हैं, हमेशा पुरानी बात को तो नहीं करते हैं। तो जीएस पेपर 3 से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वहां से इसको कवर करेंगे। कस्टोडियल डेथ और टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, एक नया टॉपिक है, इसके बारे में पहले हम लोगों ने बात नहीं किया है। हाँ, कस्टोडियल डेथ के बारे में हम लोगों ने बात किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी उसको कैसे इंप्रूव कर सकती है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, वो एक बिल्कुल नया सा टॉपिक है। तो डेफिनेटली एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी काफी फेवरेट टॉपिक्स में रहता है यूपीएससी में। लैंडस्लाइड रीजन और सॉल्यूशंस, जैसे मणिपुर के अंदर जो लैंडस्लाइड आया है उसके बारे में बात कर रहा है, तो जीएस पेपर 1 से ज्योग्राफी वाले सेक्शन से और जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पोर्शन से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल आल्सो एंड वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यूज एज वेल। ठीक है जी, चलिए एक बार देख लेते हैं फ्रंट पेज पे क्या है आज। तो बीजेपी नॉमिनीज इलेक्टेड स्पीकर इन द महाराष्ट्र ट्रस्ट वोट टुडे, ये तो हम थोड़ी देर में करने ही वाले हैं। ट्राइबल वीमेन इन मध्य प्रदेश सेट अब्लेज ओवर लैंड डिस्प्यूट, था वहां पे कोई तो उनकी जो है उनको आग लगा दी गई, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। पर्टिकुलर आपको इंसिडेंट बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो एग्जांपल वगैरह देने के आपके डेफिनेटली काम आ सकता है। आपने मेंस वगैरह में एट्रोसिटीज ऑन वीमेन है ना, एट्रोसिटीज ऑन ट्राइबल, तो इस तरह की डेफिनेटली आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हो। बाकी इसमें कुछ कुछ खास था नहीं, ये वाला जो है हम लोग थोड़ी देर में जो है इसको कर सकते हैं। तो ये भैया फॉरेस्ट है इनके नाम पे, ये एक महिला है सरोजनी मोहंता जी इनका नाम है, और ओडिशा से बिलोंग करती हैं, और 3000 ट्री इन्होंने लगाए हैं अपने लाइफ स्पैन में, और मतलब तो इसलिए इनको इनके नाम पे ही जो है उसका जो पूरा फॉरेस्ट है सरोजनी फॉरेस्ट नाम उनका पड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो केस स्टडीज होती हैं डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है मेंशन करने के काम आ सकती है ना, अगर एग्जाम में आए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर इकोसिस्टम कंजर्वेशन इस तरह का कोई टॉपिक आता है, तो जिसमें हम लोग पीपल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि कैसे किया जा सकता है कंजर्व, तो डेफिनेटली उस तरह वहां पे आप जो है सरोजनी मोहंता जी का नाम लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर। बढ़िया जो है एक पॉइंट मिल गया आपको, तो पूरी स्टोरी इनको आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखोगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। 3 तारीख से यानी कि कल से एक्चुअली बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है। तो जो बच्चे भी थोड़ा पीछे रह गए हैं जो सोच रहे थे कोर्स को ज्वाइन करने का, तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी तरह का डाउट है मन में, क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज को लेके, तो डेफिनेटली इस नंबर पे आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है यही बीजेपी नॉमिनी इलेक्टेड स्पीकर इन महाराष्ट्र ट्रस्ट वोट टुडे। देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है पिछले 1.5 साल से स्पीकर थे नहीं है ना, वहां पे सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर से ही काम चल रहा था, क्योंकि वहां पे जो पहले स्पीकर थे ना वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। और क्योंकि आपको पता है एमवीए की जब हम लोग बात करते गठबंधन की बात करते हैं, तो जहां पे शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस जो है इनका गठबंधन था, तो फिर बाद में क्या किया वो जो स्पीकर थे उनको कांग्रेस ने जो है अपना जो है स्टेट चीफ बना दिया, तब से जो है स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, डेप्यूटी स्पीकर से ही काम चल रहा था। तो अभी जो है नई सरकार बनी है वहां पे, तो डेफिनेटली स्पीकर को लेकर अभी इलेक्शन वहां पे होने वाला है और ट्रस्ट वोट भी होगा, मतलब मेजोरिटी जो है वो साबित करेंगे अपना हाउस के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 168 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में बात करता है, दैट देयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट अपॉइंट वन ऑफ इट्स मेंबर एज द स्पीकर। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं, ये सारे रूल पूरे इंडिया में एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे एग्जांपल के तौर पे
जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग होती है स्पीकर को लेके, वो ओपन वोटिंग होती है, पहले वो सीक्रेट वोटिंग हुआ करती थी, है ना। अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, टाइम पीरियड कहीं पे दिया होता है कहीं पे नहीं दिया होता है, वो अलग अलग रूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इतना मेंशन किया गया है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ स्टेट एट इट्स वेरी फर्स्ट सेशन, ध्यान रखना है, पहले ही सेशन में दे विल सिलेक्ट एन स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। और वो बाहर से नहीं आएंगे भैया, जो उसके खुद के मेंबर हैं उन्हीं के अंदर से चुना जाता है, स्पीकर को भी और डेप्यूटी स्पीकर को भी। तो स्पीकर जब नहीं होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर जो है उनके ऑफिस को टेक ओवर कर लेते हैं, वो सैलरी पर्क्स वगैरह सब उनको वैसे ही मिलता है। स्पीकर जनरली बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, ये जनरली कह रहा है, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्पीकर अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, वो सिर्फ कन्वेंशन चली आ रही है कि वो रूलिंग पार्टी से होता है। यूजली क्या होता है, जहां पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों होते हैं, यूजली डेप्यूटी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी से होता है और स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से होता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो स्पीकर तो थे ही नहीं, इसलिए डेप्यूटी स्पीकर भी जो है रूलिंग पार्टी से ही थे। ये कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि स्पीकर की पोस्ट खाली कैसे होती है। अभी डेप्यूटी स्पीकर तो तभी आएगा ना जब उसकी वैकेंसी होगी, या तो वो रिजाइन कर दें ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो देखिए स्पीकर के लिए ये जरूरी है क्योंकि आपको पता है ना कि स्पीकर मेंबर होना चाहिए। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मेंबरशिप ही चली जाए, वो इलेक्शन हार जाए या कुछ भी हो सकता है, उस केस में भी दैट पर्सन इज नो लॉन्गर एनी स्पीकर, या फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली बीच में डेथ हो जाती है तो उस केस में हो सकता है, ठीक है। और रिमूवल की प्रोसेस के बारे में बात करें तो कैसे रिमूव किया जा सकता है, उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले, ठीक है, वो उनके रिमूवल के मोशन के लिए, उसके बाद जो है कर सकते हैं। और जब तक वो रिमूवल प्रोसेस उनका चल रहा होता है, असेंबली में डिस्कशन होता है, तब तक वो हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते, मतलब तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, स्पीकर नहीं बन सकते, उनको अलग से बैठना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनको, तो ये जैसे क्लास मॉनिटर होते हैं ना, तो क्लास मॉनिटर के जैसे ही होते हैं एक तरह से। तो स्पीकर क्लास के टीचर होते हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं क्लास के मॉनिटर होते हैं। तो टीचर जब चला जाता है तो वो मॉनिटर को बोल देते हैं कि तुम क्लास का थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो टीचर वाली पूरी पावर जो है वो मॉनिटर के पास आ जाती है, कुछ कुछ इस तरह का रहता है। तो क्लास में डिसिप्लिन बना के रखना होता है ना एक टीचर को, स्पीकर को, है ना। डिबेट वगैरह प्रॉपर तरीके से चलें, वो सब उनका काम होता है। और बहुत सारी चीज़ों पे जो बिल्स वगैरह होते हैं उन पे वोटिंग कराई जाती है, तो अगर वोटिंग 50-50% हो जाती है तो उसी केस में वोट करते हैं, अदरवाइज यूजली केस में वोट नहीं करते हैं, क्योंकि स्पीकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे न्यूट्रल रहेंगे, है ना, उनकी पोजीशन, वो किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा होता नहीं, स्पीकर यू नो जब रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं भैया, उनके टिकट पे इलेक्शन जीत के आए हैं तो डेफिनेटली फेवर करेंगे ही। तो ये थोड़ी आइडियलिस्टिक बातें होती हैं, न्यूट्रल रहेंगे वो सारी की सारी चीज़ें, प्रेसिडेंट भी न्यूट्रल नहीं रहते हैं, तो स्पीकर की तो बात ही अलग है ना। ही में अडजर्न द सेशन फॉर द सिटिंग ऑफ द हाउस, तो उनके पास वो पावर होती है। सस्पेंड करते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं किसी मेंबर को अगर वो अनरूली बिहेवियर करते हैं, है ना, तोड़फोड़ मचाते हैं, गाली गलोच करते हैं, तो उनको बाहर फेंकवा दिया जाता है। आजकल इतना थोड़ा कम होता है, आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है। पहले 70s-80s में ऐसा हुआ करता था, जब कोई स्पीकर, जब कोई मेंबर जो है वो ज्यादा जो है टीटा करते थे हाउस के अंदर, तो बाउंसर होते हैं वहां पे, पता आपको, तो स्पीकर बोलते थे बाउंसर को, भाई इनको लेके जाओ बाहर, तो उनको उठा के लेके जाते थे। आजकल भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन स्पीकर यूजली जो है वो अपनी पार्टी वाले मेंबर को नहीं बाहर भिजवाते हैं, अपोजिशन वाले को ज्यादा भिजवाते हैं। अभी महाराष्ट्र में भी ऐसा केस हुआ था, यू नो वेरी वेल, है ना। और जो स्पीकर का डिसीजन होता है वो भैया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, जो नहीं जो है मनी बिल वाला स्पेशली, है ना, तो मनी बिल को डिक्लेयर करने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास होती है, और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो नो जुडिशियल रिव्यू एट ऑल, अगर स्पीकर ने बोल दिया मनी बिल है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। तो उनका शब्द जो है वो लोहे की लकीर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड अनसंग, देखिए नोन को तो सब जानते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, फिल्में भी बनती हैं उनके ऊपर। जो अननोन और अनसंग हीरोज होते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हम लोग क्या मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, इसमें जो है मोदी जी और बहुत सारे लोग जो है ऐसे जो अनसंग हीरो होते हैं हमारे, उनके जो है मेमोरीज को जो है बाहर लेके आ रहे हैं, ताकि आने वाली जो जनता है, जो यूथ है, उनको पता चले यार कि ऐसे भी हीरो थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मोदी जी अभी आंध्र प्रदेश की यात्रा पे हैं, तो वहां पे आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हो आप, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो लड़े थे, जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू जी। तो वहां पे जाएंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनोग्रेशन करेंगे, कुछ स्टैचू वगैरह लगाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सीताराम, सॉरी ये अल्लू
अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में जानना जरूरी है। ये वैसे आपको बताता चलूं कि ये खुद ट्राइबल नहीं थे, ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्राइबल हो सकता है, नहीं ये खुद ट्राइबल नहीं थे, लेकिन ट्राइबल राइट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया, स्पेशली 1920s में। भैया ब्रिटिश लोगों से और मनी लैंडर से बहुत परेशान हो गए थे। बेसिकली हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने उस समय में एक कानून पास किया, जिस कानून के तहत वहां पे जो ट्राइबल थे आंध्र प्रदेश के में रहने वाले, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर बैन लगा दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और भी बहुत सारे बैन लगा दिए, कि जिसमें से शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया वहां पे जो 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 आदिवासी जो जनता थी उनको तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही आता है, वो तो हजारों लाख मतलब हजारों साल से शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही कर रहे हैं, तो ये तो उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो गया है ना। तो इसीलिए जो है अलूरी सीताराम राजू जी ने बहुत सारे जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ मिलके 1922 में जो है कुछ पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया और वहां से बहुत सारे हथियार वगैरह वो वहां से उठा के ले आए। तो कई साल तक जो है लगातार ये फाइट चली वहां पे और फाइनली 1924 में इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और ब्रिटिशर्स लोगों ने बहुत ही है ना एक क्रुएलिटी के साथ इनको पेड़ से बांधा, पेड़ से बांध के जो है इनको इनको गोली मार दी और तो इस तरह से इनका जो है वो ये शहीद हुए। इनका जो है निकनेम भी है मयम वीरुदू, इनका जो है निकनेम आपका जिसका नाम होता है हीरो ऑफ जंगल, ये भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मयम वीरुदू, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो जो चीजें न्यूज में है तो कम से कम उसको अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स अगेंस्ट में जो है रामपा रिबेलियन जिसको बोला जाता है, मयम रिबेलियन बोला जाता है 1922, तो ये थोड़ा रामपा रिबेलियन आपने शायद अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी थोड़ा पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने घर बार त्याग दिया था और ये मंक बन गए थे, ट्राइबल्स की वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किया और तो सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अनसंग हीरो इनको हम लोग सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में इनको जो है सल्यूट कर सकते हो और वीडियो को हमेशा लाइक जरूर किया करो, इतना एफर्ट आपके लिए करते हैं मॉर्निंग में उठ के, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। कुछ और डिसलाइक भी बनता है, सी बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी करिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूरी है, तो लाइक किया करो फिर वीडियो में आगे बढ़ा करो, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जिस समय भी आप न्यूज एनालिसिस देख रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं अपने जो लगातार न्यूज एनालिसिस देखते हैं, तो इसीलिए मैं आपके सबके नाम पढ़ता हूं, सबके कमेंट भी पढ़ता हूं, तो थोड़ा बहुत ग्रीट कर दिया करो, अच्छा लगता है टीचर को, है ना। चलिए, टारगेटिंग जीआई टैग मयूरभंज सी फूड सुपर फूड आंट चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स। आंट चटनी समझते हो ना, हाँ जो वर्ड शब्द में लिखा हुआ है वही है भैया, ये चींटियों की चटनी होती है, चींटियों की चटनी होती है ये, और ये कोई ऐसे आम चटनी या डेलिकेसी होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, समझ रहे हो। एक जो है गोल्डन ब्राउन करके एक बहुत बड़े ब्रिटिश जो शेफ हैं, दुनिया के बहुत बड़े शेफ्स में से माने जाते हैं, वो एक बार आए थे इंडिया में और उन्होंने आंट चटनी को टेस्ट किया था और इतनी तीखी होती है आंट चटनी क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, तो भैया उन्होंने ऐसे परेशान हो गए, कहने लगे भैया मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज टेस्ट की नहीं, लेकिन वहां के लोग इसको कंज्यूम करते हैं और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अगर आपको मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू वगैरह है तो आंट चटनी खा लो सुबह शाम, ठीक है, अगले दिन तक ठीक हो जाओगे, ऐसा माना जाता है। तो अभी आंट चटनी जो है क्योंकि इतनी स्पेशल है, इसका इतना नाम है, तो जीआई टैग के लिए जो है इसको जो है भी टारगेट किया गया है। विटामिन B12 वगैरह, आयरन, मैग्नीशियम जो है, कॉपर, फाइबर बहुत कुछ होता है भैया इसके अंदर, तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आंट चटनी को जो है हम लोग चापदा चटनी भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, चापदा चटनी, इसे काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है, काई, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा पता होना चाहिए। यूजली जो है छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज में, है ना, उस ट्राइबल बेल्ट में जो है लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये भी आपसे पूछ सकता है कि आंट चटनी वाज रिसेंटली न्यूज, है ना, ये कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी सी न्यूज थी 2 मिनट की। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि और जितने भी फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट हैं इंडिया में जो लगाए जा रहे हैं या लगाए जा चुके हैं, फ्यूचर में लगाए जाएंगे, सभी के लिए जो है यही सिग्निफिकेंस काम आ सकता है, तो ये तो सबके लिए कॉमन हो गया। बस ये आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है। बेसिकली हमारा जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड है, NTPC जिसको बोलते हैं, जो है रामागुंडम में, जो कि तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है रामागुंडम, ठीक है, पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां पे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट को अभी बनाया गया है, 500 एकड़ में है भैया ये, और 100 मेगावाट की बिजली यहां से पैदा होने वाली है। तो बेसिकली जो इंडिया का टारगेट है जो 2175 गीगावाट 2030 तक हम लोगों को बिजली पैदा करनी है, तो उसके तहत ही बेसिकली इस प्रोग्राम को चलाया गया है ना, और फ्लोटिंग है, इसमें सारा अरेंजमेंट फ्लोटिंग है, समझ रहे हो,
हर चीज फ्लोटिंग है भैया वहां पे, जो जनरेटर्स हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो बैटरी स्टोरेज करने के लिए है, एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। तो सीनी फैंस में लोग यही लिख सकते हैं कि एक तो इसमें इससे लैंड बच गया है ना भैया, 500 एकड़ थोड़ा नहीं होता है, तो वो लैंड वाला हमारा यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया। उसके अलावा जो इवेपोरेशन होता है वाटर बॉडीज में, तो वो भी कम होगा, राइट। तो जिससे वाटर कंजर्वेशन होगा वो सब आप बात लिख सकते हो, है ना। लैंड की क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस वुड हेल्प अवॉइड द अप्रोक्सीमेटली 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर वाटर इवेपोरेशन, है ना। तो पानी भी बचेगा, कितने फायदे होते हैं ना। टूरिज्म भी डेवलप होगा वहां पे डेफिनेटली, है ना। और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इनोवेशन होगा ऑफकोर्स, फ्यूचर में इसको हम और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। हमारे ग्रिड से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो एमरजेंसी के समय में हमें बिजली प्रोवाइड कराएगा, है ना। कितने सारे बेनिफिट हैं हम लोगों को, और इंटरनेशनल हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो वो सारी सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी सीक्स रिपोर्ट ऑन द चकमा केस। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने जो है रिपोर्ट मांगी है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से, और इवन नेशनल गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट मांगी है कि भैया आप ये बताइए कि चकमा ट्राइब के लिए आप क्या कर रहे हो। बेसिकली बात यह थी कि कुछ समय पहले तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दिया था कि चकमा ट्राइब्स के जितने भी लोग हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाए। हालांकि मोस्टली लोगों को सिटीजनशिप मिला हुआ है, लेकिन जो कुछ लोग रहते हैं 4-5 हजार के लगभग, उनको सिटीजनशिप दिया जाए। तो इसकी थोड़ी सी कहानी आपको मैं लेके चलता हूँ पीछे की तरफ। एक्चुअली क्या है ना, जो चकमा ट्राइब है और इसके साथ एक और ट्राइब है हजोंग ट्राइब, बेसिकली चकमा ट्राइब मेजोरिटी, जो हजोंग ट्राइब के लोग इतने ज्यादा नहीं है, तो ये जो ट्राइब है ना वो बांग्लादेश में बिलोंग करती थी। जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स है ना, चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के अंदर, आज भी चिटगोंग का काफी इंपोर्टेंट रोल है। सूर्या सेन की हम लोग बात करते हैं, चिटगोंग की मूवी भी बनी हुई है बॉलीवुड में। तो चिटगोंग से ये लोग बिलोंग करते थे, लेकिन यू नो बांग्लादेश के अंदर भी एग्रीकल्चर और बहुत सारे रिवर्स वहां पे हैं। तो बेसिकली वहां पे डैम बनाया गया, कपताई डैम बनाया गया। वहां पे एक रिवर है कर्णफुली, 1950-60s की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये बनाया गया था तो उनके बहुत सारे जो गांव थे जो चकमा ट्राइब्स के, हजोंग ट्राइब के, वो डूब गए थे उसकी वजह से। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पे, यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंड इन 1960s में, लेट 1960s में, जो वेस्ट पाकिस्तान की जो फौज थी उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किया उनके ऊपर, महिलाओं के रेप किए गए, मारा गया, पीटा गया। तो ये सारे बहुत सारे लोग 1960s में इंडिया में आ गए थे, और शुरुआत में आसाम में आए, लेकिन फिर बाद में सरकार ने जो है इनको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, थोड़ा सा मिजोरम, थोड़ा मणिपुर, वहां जाके इनको शिफ्ट कर दिया था। तो इस समय इंडिया में काफी ज्यादा है ये, और 1960s में आए थे, थोड़ा ध्यान रखना है आपने, राइट। तो ये तो है इनकी थोड़ी सी कहानी। अब बात यह है कि इनको रिफ्यूजी का स्टेटस मिला हुआ है। अब इनके जो बच्चे पैदा हुए 1960s के बाद थे, उनको तो डेफिनेटली इंडियन सिटीजनशिप मिला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि इनको तो नेचुरल सिटीजनशिप अपने आप ही मिल गया, नेचुरल बोर्न है भैया वो सिटीजन इंडिया के। लेकिन कुछ जो उनके दादा परदादा हैं जो 19 उस समय आए थे, उनको अभी तक सिटीजनशिप स्टेटस यहाँ पे नहीं मिला है। बताता चलो कि जो चकमा है वो बुद्धिस्ट होते हैं, और जो हजोंग ट्राइब है वो हिंदूज होते हैं ना, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और जो है बस वही है, इसके बारे में होती कुछ खास है नहीं। जो लुशाई हिल्स हैं मिजोरम के अंदर, उसके थ्रू इन्होंने इंडिया में एंट्री किया था। अभी अरुणाचल प्रदेश में काफी बड़ी संख्या है इनकी। पहले मैं कहीं पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर मैं अरुणाचल प्रदेश में 2-3 बार गया था कुछ काम से, तो वहां पे जो है क्लास में कई सारे स्टूडेंट थे जो चकमा ट्राइब से बिलोंग करते थे, वो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अंदर फुल ऑन पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इवन जो हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया है सरकार ने, उसका भी इनके ऊपर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो डेट दी गई है वो 1971 दी गई है, और मोस्टली जो चकमा हजोंग ट्राइब है वो 1971 से पहले ही इंडिया में आके सेटल डाउन हो चुके थे, उसका कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। ह्यूमन राइट जो कमीशन के बारे में डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो, ये इतनी बार कर चुका हूं मैं, ये परसों भी हम लोगों ने किया था, तो उसी से स्लाइड से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। एक थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए और कुछ नहीं है इसमें। कल जो है 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से, तो इसके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। आंसर होता है इसका बी, और इसका आंसर होता है बी, दोनों का बी आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द रॉक। तो भैया हमारी इंडिया में अगर आप देखें तो जो आर्किटेक्चर है और जो स्कल्पचर बिल्डिंग है और जो हमारे आर्टिस्ट लोग थे इतने जबरदस्त थे, वो या एक बड़े पहाड़ को काट के ही वो पूरा मंदिर बना देते थे, है ना। आजकल आपने देखा होगा स्टैचू वगैरह बनाते हैं तो एक बड़ा पत्थर होता है उसी में से मूर्ति बना देते हैं, है ना। जब मूर्ति बना दिया तो भैया मंदिर भी बना देते थे। तो सिंगल रॉक कट टेम्पल है ना, रथ टेम्पल है ये, ठीक है, इस आर्किटेक्चर है जो रथ टेम्पल में, थोड़ा आपका ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैलाशनाथ टेम्पल एट द अलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जैन टेम्पल. द टेम्पल इन इज कार्ड आउट ऑफ द लिविंग लिविंग रॉक. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द डेक्कन आर्किटेक्चर इज द कैलाशनाथ टेम्पल इन द अलोरा. कल्मिनेशन एट दिट इज द मिलेनियम लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर. तो रॉक कट से बनाया जाता था और कई कई साल लगते थे, ऐसा नहीं है कि 6 महीने में बनकर तैयार हो जाता था. जनरेशन टू जनरेशन जो है वो बनाते रहते थे. दादाजी ने बनाया, वो भी लगे हुए हैं, आगे बेटे ने लगाया, ग्रैंड चिल्ड्रन ने लगाया, ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी लगा रहे हैं. सालों सालों तक काम चलता था. और मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता था पहले, या फिर किसी भी तरह का मॉन्यूमेंट है ना, और सिर्फ इंडिया में नहीं मतलब दुनिया में कहीं भी, तो अगर हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है इसका पर्पज होता था वर्शिप. वो तो है ही फाइनली, क्योंकि किसी ना किसी गॉड को तो वो डेडिकेटेड होता ही है. लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट बनाए जाते थे पहले, जैसे पिरामिड की बात करो आप इजिप्ट के, इनका एक बहुत बड़ा पर्पज हुआ करता था कम्युनिटी गैदरिंग, जो यूजली है ना इग्नोर कर दिया जाता है इस फैक्ट को. इग्नोर कर, अब देखिए आप तो सोशल मीडिया होता है, आप सोशल मीडिया में हजारों लोगों से जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, अपने व्यू पॉइंट को जो है शेयर कर सकते हो. पहले तो ऐसा नहीं होता था ना सोशल मीडिया, तो यही सोशल मीडिया हुआ करता था है ना. लोग जो है दिन भर में काम करते थे अपने घर का, शाम को जो है वहां पे आते थे, बैठते थे, चाय पानी पीते थे, थोड़ा बातचीत करते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक कम्युनिटी जो वाली फीलिंग है वो आती रहती थी. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता था इस तरह के मॉन्यूमेंट्स का. इवन आप बहुत सारे रिमोट अगर आइलैंड्स में जाते हो, रिमोटेस्ट आइलैंड में अगर आप जाते हो ओशंस के अंदर, वहां पे भी आपको बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं. तो बेसिकली पर्पज यही है, एक कम्युनिटी गैदरिंग होती है ना, एक ट्राइबल फीलिंग आती है, वो सारी चीजें हैं. द फेमस लड़खान टेम्पल इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया. तो ये थोड़ा आपके लिए सवाल है, ये दूसरा सवाल है पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर और पल्लवा स्टाइल के बारे में. तो दोनों को इसकी हम लोग आंसर कल डिस्कशन करेंगे. तो आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है, थोड़ा टफ लग सकता है आर्ट एंड वाले कल्चर वाले क्वेश्चन, क्योंकि काफी है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट होती है. बट एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा गूगल वूगल कर सकते हो, नहीं तो कल का वेट कर लीजिए. राइट, चलिए ये था थोड़ा इसके बारे में. नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो आर्टिकल है वो है स्ट्रेन ऑन द इंडिया रशिया डिफेंस कॉरपोरेशन. स्ट्रेन का मतलब होता है दाग, चाल लगा चुंदरी में दाग. तो हमारे भैया जो इंडिया रशिया की जो चुंदरी थी अभी तक बिल्कुल स्पॉटलेस थी, स्ट्रेनलेस थी, थोड़ा सा इस पे दाग लग गया है. दाग इन द सेंस कैसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोलने वाली बात है. बस बात यह है कि आपको पता है कि हम लोग हमारा 80-90% जो पूरा डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं है ना, वो हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, क्योंकि पिछले आजादी के बाद से हम लोग रशिया के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं पूरा डिफेंस पर्पसेस के लिए. तो बहुत सारी जो स्पेयर पार्ट थे और जो डिलीवरी आनी थी ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, वो थोड़ी डिले हो गई है ना. डिले क्यों हो गई, नो वेरी वेल कि यूक्रेन वाला जो इशू चल रहा है, तो भैया ये रशिया कहाँ कहाँ पे ध्यान दे है ना, वो डिलीवरी पे ध्यान दे, वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगा या फिर वो यूक्रेन के ऊपर ध्यान देगा, तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पे डिले हो गया है. ठीक है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे आर्मी जो चीफ है मनोज पांडे जी, वो ये कह रहे हैं कि आर्मीज डिपेंडेंस ऑन सर्टेन वेपन सिस्टम स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ द एयर डिफेंस रॉकेट्स मिसाइल्स, वो थोड़े से डिले हो गए हैं. ठीक है, जो रशिया से आने वाले थे, ये बात है. जैसे हमारा जो 21 MiG-29 जो फाइटर जेट है, ये भी आने थे, तो भी थोड़े से डिले हो गए, पोस्टपोन हो रही है बेसिकली चीजें, इनका कहने का मतलब ये है. तो इसलिए जो है इंडिया को थोड़ा अल्टरनेटिव जुगाड़ कर लगाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए. रशिया को भी नहीं पता था कि वॉर इतना लंबा चला जाएगा, उसको लगा था कि 2-4 दिन में जो है हफ्ते भर का काम है. यूक्रेन तो बेचारा पिद्दू सा देश है, छोटा सा देश है, इसके पास कोई पावर वावर तो है नहीं, तो इसको हम लोग 2-4 दिन में निपेट देंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 4 महीने तो हो ही गए हैं और अभी बहुत लंबा चलने वाला है. तो अनएक्सपेक्टेड था, इंडिया के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था. अगर हमें पहले ऐसा पता होता तो पहले तैयारी करके रखते. तो बात यह है कि फ्यूचर में इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज होंगी उसके लिए इंडिया को अभी ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा है ना, अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, ऐसा आर्मी चीफ हमारे कह रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा एक मौका भी है प्राइवेट सेक्टर के लिए. ऐसा बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर जिसको कहा जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर आए है ना, स्टेप अप करे और नया प्रोडक्शन करे, टेक्नोलॉजी लेके आए, टेक्नोलॉजी डेवलप करे, तो ये बहुत बड़ी चीज है ना. उसके अलावा हमारी एक और डील थी KA-31. ठीक है, ये हेलीकॉप्टर की जो अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर थे भैया, वो डील भी हमारी चल रही थी, उसके साथ वो भी डिले हो गई है. इवन अमेठी के अंदर जो है वो असोल्ट राइफल वाली जो फैक्ट्री लगानी थी वो भी डिले हो गई है. तो कई सारी चीजें यहाँ पे डिले हो रही हैं. तो रशिया के साथ हमारी जो उसके अगर हम लोग बात करें डिफेंस अगर नो ट्रेड की बात करें, तो इस समय जो है $15 बिलियन का होता है 2018 तक,
फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ्रांस से खरीदना शुरू किया, वो सारी चीजें अभी चल रही हैं, क्योंकि इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने डिफेंस नीड्स को, एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता है। तो S-400 की डील भी थी जो है 6 बिलियन डॉलर की, जो कि अभी ये भी थोड़ा सा डिले चल रही है अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा भी बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट हैं छोटे मोटे, इतना याद करने की जरूरत नहीं आपको डिटेल में। T-90 वाला कर सकते हो, क्योंकि T-90 इंडिया का जो है मेन टैंक होता है, तो ये टैंक सिस्टम हम लोग रशिया के साथ ही करते हैं। पेमेंट की दिक्कत भी है, ठीक है, सिर्फ यूक्रेन वॉर ही नहीं बल्कि पेमेंट की दिक्कत भी है। पेमेंट करें तो करें कैसे, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से जो है रशिया के बहुत सारे बैंकों को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि इंडिया ने इसका जुगाड़ निकाल लिया है कि हम लोग रूबल और रूपी अग्रीमेंट कर सकते हैं, डॉलर को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी समस्या है क्योंकि रूपी बेचारा वो पहले ही नीचे गिरता जा रहा है, रूबल तो जो है गिर ही रहा है, तो ये भी समस्याएं हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी इसमें और कुछ खास आर्टिकल में था नहीं, ठीक है, एक दो चीजें यही थी। आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग, फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसके बारे में जो है मोस्टली चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं। NIA क्या है, बिल हम लोगों ने पास किया था, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसके तहत हम लोग कर सकते हैं, या मतलब NIA इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, 26/11 के अटैक के बाद इसको किया गया था, वो चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी, साइबर टेररिज्म, वो सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। नया क्या है यहाँ पे, देखिए ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, नहीं इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, शेड्यूल ऑफेंस, ये चीज नहीं है हमारे लिए। शेड्यूल ऑफेंस तो कौन से वो शेड्यूल ऑफेंस होते हैं जिसके तहत NIA इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये हम लोगों ने पहले नहीं किया था। हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका जो सेक्शन है 66F, इसके तहत भी NIA इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जो कि साइबर टेररिज्म के बारे में बात करता है, और इसके तहत आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में काम करता है। ये शेड्यूल ऑफेंस कौन से हैं, वो बहुत बढ़िया लिस्ट आज इन्होंने दिया हुआ है, सब आपको याद नहीं करने हैं, एक दो याद रहेंगे एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। जैसे UAPA हो गया, इसके तहत जितने भी जो ऑफेंस होते हैं वो शेड्यूल एक्ट के अंदर आते हैं, एटॉमिक एनर्जी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। उसके अलावा हमारा जो इंडियन पिनल कोड, आर्म्स एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जितने भी होते हैं वो सब चीजें यहाँ पे हो गई, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट जो हमारा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, डिलीवरी सिस्टम है, ये हमारे पास जो एक्ट है, ये सारे आपके पास शेड्यूल एक्ट होते हैं, ऑफेंस होते हैं। एंड नार्कोटिक ड्रग्स वाला भी हम लोगों ने थोड़े 2020 में ही ऐड किया था, इससे पहले नार्कोटिक्स वालों को नहीं करते थे ये लोग, अभी वो भी करने लगे हैं, पूछ सकता एग्जाम में, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे शाहरुख खान का जो लड़का है वो पकड़ा गया था तो नार्कोटिक्स वाले केस में, तो NIA भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उस केस में, ठीक है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और NIA का ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो भैया पूरे इंडिया में इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, राइट, इस जब स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी स्टेट के अंदर कोई ऑफेंस होता है और अगर स्टेट को यह लगता है कि ये जो ऑफेंस है वो शेड्यूल ऑफेंस है, तो उसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई साहब इसको जो है NIA से इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तो वो करवा सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कोई ऑफेंस होता है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो ऑफेंस जो है वो शेड्यूल ऑफेंस है, तो उसको जो है बिना स्टेट की परमिशन के भी NIA को दिया जा सकता है। और एक बार NIA के पास केस चला जाता है तो वो जो स्टेट पुलिस कुछ खास नहीं कर सकती, बल्कि उसको उसको पूरी तरह से उसको साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। ये कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, आगे इसमें कुछ था नहीं। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके लिए मैंने ब्राउनी पॉइंट्स जो है, ये तो लैंडस्लाइड वाले हैं, थोड़ी इसको जाके देखेंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आज के एडिटोरियल सेक्शन में। देखिए ये जो एडिटोरियल सेक्शन है, मीनिंग ऑफ द डायनेस्टी मुक्त भारत, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। मैंने पढ़ने की कोशिश किया, फिर मुझे मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, और मैंने कहा आपको क्या ही पढ़ाऊं, पूरी तरह से बायस्ड है एक तरह से, तो बीजेपी को भर भर के गालियां यहाँ पे दी गई हैं, तो इतना ज्यादा हमें नहीं पता होना चाहिए। देखिए ऑडिटोरियल जो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ना, ओपिनियन के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो हमारा पर्पज नहीं होता, ये होता हमारा पर्पज होता आइडियाज, ठीक है। तो ओपिनियन कोई भी हो, एक दो आइडिया तो हम लोग वहां से निकाल ही सकते हैं ना, कुछ सजेशन, कुछ इशू है सब तरह का रहता है, क्योंकि ओपिनियन से हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आइडियाज हमारी नॉलेज को एनरिच करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीप करता है, जो कि हमें चाहिए होता है अपने इंटरव्यू में, मेंस वगैरह में, प्रीलिम्स में। तो आइडिया बेसिकली ये है कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, कि पहले दादाजी नेता थे, आगे उनके सुपुत्र भी नेता हैं, आगे उनके जो है जो मतलब आगे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी जो है वो भी नेता हैं, उनके बच्चे भी नेता बनेंगे, तो जो एक तरह का जो फैमिली बिजनेस टाइप का रहता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। और ऐसा बात नहीं कि इंडिया में नहीं है, है ना, ये कनाडा में भी है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ट्रूडो, उनके पिताजी भी जो है बहुत बड़े लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ऐसा फ्रांस के अंदर भी है, ऐसा USA के अंदर भी है ना, मोस्टली ऐसा हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, है ना, जैसे जॉर्ज W. बुश थे, उनके पिताजी भी थे भैया, है ना, मिस्टर क्लिंटन थे, वो सारी चीजें, तो ये हर जगह ही लगभग लगभग, इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है
है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे परिवारवाद बहुत ज्यादा चलता है ना, क्योंकि हम लोग एक काफी क्लोज निट सोसाइटी मानी जाती है इस तरह से। बट एनीवेज, तो ये डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, तो क्या वो सही है क्या वो गलत है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो नेता जो है वो अच्छा काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, उसकी पॉलिटिक्स उसकी पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, करने दीजिए ना भैया। डॉक्टर का बेटा जो डॉक्टर बन सकता है, तो नेताजी का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। तो इसमें बात इन्होंने यही कही है कि जो इस समय जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मुद्दे नहीं है मोस्टली चीजों पे जो है बीजेपी, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एडिटोरियल ये कहता है, क्योंकि बीजेपी बहुत सारी चीजों पे अनसक्सेसफुल रही है, चाहे आप वो नोटबंदी की बात कर लीजिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, कुछ ही तरह की बात कर लीजिए, तो इसीलिए उसके पास कोई ज्यादा मुद्दे बचे नहीं है, तो वो डायनेस्टी वाला मुद्दा उठा देती है, और है ना कि परिवार मुक्त, कांग्रेस मुक्त, और ये सारी बहुत सारी चीजें मुक्त है ना, तो मुक्ति मिलेगी जनता को, पता नहीं। तो ये थोड़ा ओपिनियन वाले आइडिया से आप देख सकते हो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इज इट गुड इज इट बैड, इफ इट इज बैड व्हाई इट इज बैड, इफ इट इज गुड व्हाई इट इज गुड, है ना, क्या सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। मुझे याद है 8-10 महीने पहले हम लोगों ने एक एडिटोरियल किया था जिसमें ये बताया गया था कि यूजली जो डायनेस्ट होते हैं, डायनेस्ट मतलब समझते हो आप, जैसे अभी मुलायम जी की बात करो, तो मुलायम जी जो है डायनेस्ट है बेसिकली, जहां से वो पार्टी स्टार्ट होती है, तो एक आदमी ऐसा होता है जो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करता है बिल्कुल स्क्रैच से, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। इंडिया में 1970s में जो है उस समय जो जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ से बहुत सारी पार्टियां निकली, और वो मोस्टली पार्टी डायनेस्टिक पार्टी है, जैसे आप हरियाणा में INLD की बात करो, पंजाब के अंदर आप जो है शिरोमणि अकाली दल की बात करो, शिवसेना की बात करो, या साउथ इंडिया में बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज निकली हैं। तो एक ऐसा आदमी था कोई भी जिन्होंने उस पार्टी को बनाया था, आगे उनके बच्चे पैदा होते हैं, मोस्टली केस में ये देखा गया कि जो उनके आगे बच्चे होते हैं वो उतने सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाते, उतने पॉपुलर लीडर नहीं बन पाते। उसका रीजन इन्होंने बताया था, तो वैसे मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा दिमाग में आ गई है वो चीज। इनका ये कहना था कि जो लीडर थे वो भैया बिल्कुल ऐसे माटी से निकले हुए हैं, मिट्टी से निकले हुए हैं, बिल्कुल स्क्रैच से निकले हुए हैं, गलियों से निकले हुए हैं, तो उन्होंने जनता के बीच में रह के काम किया है, इसलिए उनको जुड़ाव था जनता के साथ, इसलिए काफी पॉपुलर भी हुआ करते थे। लेकिन जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, भैया कोई अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, कोई ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा है, कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ दिन भर रात भर जो है वो पार्टीज कर रहा है, क्लबिंग कर रहा है ना, तो इसी वजह से जनता से उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो जब जनता से कनेक्शन टूट जाता है तो जनता के प्रॉब्लम भी नहीं समझ पाते, और फिर वो जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं जिसका हमारी रियलिटी से कोई लेना देना होता नहीं है, है ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो नॉन, आजकल वैसे भी आपको पता है कि समाज के अंदर डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेके क्या माहौल चल रहा है एनीवेज, तो उस सेंस में थोड़ा सा आप आइडिया यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हो। ओपिनियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको जो है नहीं होना है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज नो पनेसिया फॉर द कस्टोडियल डेथ। तो इंडिया में भैया 2001 से लेके 2008 तक 1727 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है। कस्टोडियल डेथ समझते हो, जब पुलिस वाले किसी को थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं, है ना, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको वायलेंस करते हैं, उसकी वजह से डेथ होती है। भैया ये नंबर थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब पुलिस में आदमी प्रोटेक्शन के लिए जाता है, ठीक है, और उसको मार देते हैं। तो इनका कहना है कि पुलिस वाले जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत बार इमोशन में बह जाते हैं, और जो उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जो उनका जो इमोशनल कोशेंट होता है, पुलिस वाले वैसे ज्यादा इमोशनल होते भी नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो वो, और बहुत बार जो है जब किसी केस के अंदर इंटरोगेशन चल रहा होता है, और उस केस में भी जो है पुलिस वाले जो इस तरह की चीजें करते हैं, तो बात यह कि सोल्यूशन क्या है। चीजें तो हो ही रही हैं, अलग अलग रीजन है उन सभी के। सोल्यूशन इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजी, जैसे आप बॉडी कैमरा लगा सकते हो, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल जो है डेफिनेटर्स लगा सकते हो। बॉडी कैमरा जैसे मतलब आपके कॉलर के ऊपर माइक लगा होगा, मतलब एक जेब पॉकेट के ऊपर जो है एक, है ना, एक कैमरा लगा होगा, हर टाइम लगा होगा वो, जब आप थाने के अंदर एंट्री करते हो, जब जो पुलिस ट्रैफिक वाले होते हैं उनकी गाड़ी के ऊपर, उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर, जैसे मोस्टली विदेशों में होता है, तो ये आप कर सकते हो, जिससे पुलिस वालों की एक्टिविटी आपके ऊपर आप लगातार नजर रख सकते हो। उसके अलावा इनका कहना है कि भैया मान लो कोई क्रिमिनल है, आपको लगता है वो क्रिमिनल है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो उसको मार पीट क्यों रहे हो भैया, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करो। जैसे टेक्नोलॉजी होती है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, है ना, जैसे हमारे पास पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जो लाई डिटेक्टर्स होते हैं, आप इन टेक्नोलॉजी का यूज करो ना। विदेशों में इन टेक्नोलॉजी का भर भर के यूज होता है, इंडिया में यूज नहीं होता है। तो
और ये टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि जैसे एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास यहाँ पे जिसे कहते हैं ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, इससे ये पता चल जाता है कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। और ऐसा FBI वगैरह ने बहुत सारी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है और ये पाया गया है कि 100% केसेस में ये झूठ को पकड़ लेता है। तो क्या इंडिया इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन समस्या यहाँ पे हमारे कोर्ट की भी आती है, हमारे लेजिस्लेशन की भी आती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर स्टेट ऑफ कर्नाटका और सेल्वी का एक केस चल रहा था, उसमें जो है ये कह दिया था कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, जो नार्को टेस्ट होते हैं, इनको जो है हम लोग एविडेंस नहीं मानते। समझ रहे हो? तो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं, समझ रहे हो, जो नार्कोटिक टेस्ट होता है, ये कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होता। तो इसीलिए क्या फायदा है भैया यूज करने का जब कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा? तो उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? रोबोट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं सर्विलियंस के लिए, बॉम्ब डिटेक्शन वगैरह के लिए। इवन इनका तो यह भी कहना है कि जो रोबोट्स होते हैं, जो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इन्वेस्टिगेशन वाले जो रोबोट्स होते हैं ना, वो फेस एक्सप्रेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं रादर देन ह्यूमन। समझ रहे हो? क्योंकि उनके अंदर इतने सारे सेंसर्स लगे होते हैं। आप मान के चलिए जैसे मेरे पास मेरा फोन है, ये मेरा फोन जो है मेरे फेस के एक्सप्रेशन से अपने आप को अनलॉक कर सकता है, और जो बहुत एडवांस रोबोट्स होते हैं वो आपके फेस के हर छोटे छोटे एक्सप्रेशन को पढ़ के ये बता सकते हैं कि भैया आपके इरादे नेक हैं कि नहीं है। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अवतार, ठीक है, ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर द ट्रूथ असेसमेंट इन रियल टाइम, अवतार जिसको कहा जाता है। तो इसको जो है फ्रांस में कनाडा के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया सस्पेक्ट के ऊपर इंटरोगेशन के लिए, और इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा जबरदस्त आए हैं। तो क्या हम लोग इसको नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात वही निकलती है कि आप चीजों का यूज कर लो, कर तो लो, लेकिन हमारी जो जुडिशरी है क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगी? हमारी जो जनता है क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके अलावा और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? हमारा जो एविडेंस एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस डेफिनेटली करने की जरूरत है, राइट? और हमारे पास जो हमारे बिल पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, सॉरी पार्लियामेंट के अंदर, जैसे प्रिवेंशन ऑफ द टॉर्चर 2017, ये अभी तक पास नहीं हुआ है, तो इसको भैया पास करवाइए, है ना। ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है, एथिकल जो है ट्रेनिंग की जरूरत है पुलिस महकमे को, वो सारी की सारी चीज़ें। तो अभी तक हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, भैया वो अंग्रेजों के जमाने से जो चली आ रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, है ना। आज भी वही डंडे के जोर पे जो है चीजें मनवा दी जाती हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, दिल्ली में जो है केस हुआ था रियान पब्लिक स्कूल में, तो वहां पे एक बच्चे ने जो है किसी दूसरे बच्चे को मार दिया था, काफी हाई प्रोफाइल केस था। और भैया रियान पब्लिक स्कूल वन ऑफ द मोस्ट यू नो इन्फ्लुएंशियल स्कूल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे वहां पे आते हैं। तो उस बच्चे ने जो है दूसरे बच्चे को मार दिया बाथरूम में ही मारा था शायद, लेकिन इल्जाम किसके ऊपर लगा दिया गया? ड्राइवर के ऊपर लगा दिया गया, ठीक है। ड्राइवर को मारा गया, पीटा गया, और पुलिस ये कहने लगी कि ड्राइवर ने खुद मान लिया है कि उसी ने बच्चे को मारा है। फिर बाद में पता चला कि यार वो तो किसी दूसरे बच्चे ने मारा था। ये हालत है भैया हमारे यहाँ पे, है ना। किसी नेताजी की भैंस चोरी हो गई थी और पता नहीं किसको उन्होंने पकड़ के जो है वो मनवा लिया कि भैंस तो मैंने चोरी किया है, इतना पीटा बेचारे को उसको। पता चला फिर भैंस तो वह खुद ही वो जंगल में चली गई थी मौज मस्ती करने के लिए। तो इतने सारे कितने पुलिस आदमी फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मणिपुर के अंदर जो है बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, 25-30 लोग वहां पे मारे गए, और रेलवे बेसिकली जो ट्रैक था वहां पे, है ना, रेलवे ट्रैक, वो पूरी तरह से भैया ध्वस्त हो गया एकदम से। और कहाँ पे था ये? ईजी रिवर, ये रिवर का आपने याद रखना है नाम, ईजी रिवर, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो रेलवे लाइन वहां पे जा रही थी। तो ये है बेसिकली पूरे का पूरा मामला। अब उसी के चक्कर में जो इन्होंने एडिटोरियल दिया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, खासकर केरला वाला जो एरिया है, वो काफी ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन होता है, नो डाउट, ठीक है, खासकर मॉनसून के समय में। तो अगर आप प्लान बना रहे हो इस समय हिमालय वगैरह में जाने का, तो भैया अवॉइड करो, ठीक है, घर पे ही बैठे रहो, और कहीं जा सकते हो। लेकिन जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो ये खुद कहती है कि जो डिजास्टर्स होते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होते हैं, मतलब मैन मेड। उन्होंने रीजंस भी बताए हैं, जैसे कि एग्जाम में हमें बताने पड़ते हैं। उन्होंने कहा है मॉडिफिकेशन ऑफ द स्लोप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, प्लेन कर दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स, क्वेरिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, वहां से पत्थर वत्थर तोड़े जाते हैं, क्रश किए जाते हैं, वो सब चीजें, फ्रजाइल लिथोग्राफी, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द हैवी रेनफॉल, ये सारे के सारे रीजन होते हैं लैंडस्लाइड के लिए। कौन कह रहा है?
ये हमारी भैया एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री कर रही है, इसलिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं एज अ डी फैक्टो एक्सरसाइज द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट लुक एट वेदर। तो एक सॉल्यूशन क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये देखना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसकी सोइल कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह किए जाने चाहिए, खासकर रेलवे कंस्ट्रक्शन वगैरह में, क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड हुआ था कहां पे हुआ था, तुपुल एरिया में हुआ था, ईजे रिवर के ऊपर। तो पहले भैया प्रॉपर देखिए थे, रिसर्च तो करो, है ना, एक बार मैपिंग वगैरह तो करो, उसको बताओ कि भैया ये जो जोन है वो हजारडियस जोन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करिए, अगर करनी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लेके आनी है। हमारे पास बेसिकली नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा मैपिंग अभी तक नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैपिंग को करना। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग मैपिंग करेंगे तो शायद हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, भैया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है आप मत करिए, है ना, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जो डिफोरेस्टेशन वगैरह होता है इसको आप थोड़ा सा जाके संभाल सकते हो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव आप कर सकते हो। ब्राउनी पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किए हैं कि लैंडस्लाइड क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, है ना, वो मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप ये पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपके यू नो एक आपके बिल्कुल जो जियोग्राफी है या जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बिल्कुल एकदम कोर टॉपिक्स में आता है। तो थोड़ा आप इसको भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए, वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो, ये थोड़ा हम लोगों ने ये आप कर सकते हो, डिफेक्शन और वाटर्स वाला इशू जो है ये हम लोगों ने थोड़ा कर लिया है, टेक्नोलॉजी वाला, कस्टोडियन डेथ वाला, है ना, ये आप कर सकते हो, अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, तो आने वाले कुछ दिनों में जब मुझे लगेगा कि भैया हिंदू में आर्टिकल बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैंने सेव कर लिया है, इसको हम लोग डेफिनेटली बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन एंड करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, आपके सबको देखता हूं मैं, तो लाइक के बिना काम नहीं चलेगा, है ना, कमेंट वगैरह करके थोड़ा बहुत ग्रीट कर दिया करो, को जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनके आंसर भी आपको डेफिनेटली देने रहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट किया करो, जितना पार्टिसिपेट करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।